तो हम आज पढ़ रहे हैं कि व्हाट अकर्स इन परसेप्शन, परसेप्शन में ऐसा क्या होता है, मींस जो परसेप्शन का जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो पहली चीज जो है परसेप्शन के अंदर होती है वो होती है सिलेक्शन, मींस आप अब डिफरेंट स्टिमुलाई को सिलेक्ट करते हैं, इर्द गिर्द में जो चीजें मौजूद हैं, जो एनवायरमेंट में इवेंट्स हो रहे हैं, मींस उसको उसमें से आप तमाम चंद चीजें सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन के अंदर फिर क्या होता है, सिलेक्शन के अंदर होता है सिलेक्टिव एक्सपोजर। सिलेक्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं, बहुत सारे ऐसे स्टिमुलाय हैं, स्टिमुलाय मीन्स थिंग्स एंड इवेंट, जिनको सबके सब चीजों को एक ही वक्त परसीव करना नामुमकिन है, समझना नामुमकिन है। तो बहुत सारी चीज़ों को आप निगलेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे जो एनवायरमेंट स्टिमुला एनवायरमेंट में मौजूद हैं उनको आप निगलेक्ट कर देते हैं और चंद स्टिमुला के ऊपर आप फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर कहीं पे ड्राइव कर रहे हैं या कहीं पे वॉक के लिए निकल रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होंगी, मीन्स थाउजेंड्स में चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके मीन्स परसेप्शन के ऊपर मीन्स एक बम्बारमेंट हो रही है। लेकिन उसमें से अगर आप देखें तो बहुत सारी सीनरीज होंगी, साइट्स होंगे, साउंड्स होंगे, स्मेल्स होंगे या अदर सेंसेशंस होंगी। आपको तेज से हवा लग रही है, मीन्स गर्म हवा लग रही है, ठंडी हवा लग रही है, तो एक ही वक्त के अंदर आप उसमें से सब चीज़ें नहीं सिलेक्ट कर सकते, इसलिए आप चंद चीज़ें सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गली से गुजरे तो उसी गली के अंदर मीन्स नीचे अगर आप कूड़ा पड़ा हुआ है तो कूड़े में से स्मेल आ रही है, तो स्मेल आपके नाक में आएगी एट ए टाइम। अगर वो आपको परेशान कर रही है तो आपके जो स्टिमुलाय है मीन्स जो आपका सेंसेस है स्मेल सेंस, वो उसको कैरी कर लेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें और हैं। इसमें पहली जो चीज़ है वो है सिलेक्टिव एक्सपोयर। सिलेक्टिव एक्सपोयर ये है कि सिलेक्शन के अंदर ये चीज़ें हैं, मीन्स सिलेक्शन का जो फिर प्रोसेस है परसेप्शन के अंदर, सिलेक्शन जो है सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर फिर एक सिलेक्टिव एक्सपोयर है, मीन्स आप एक्सपोज होते हैं, आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं उसी इंफॉर्मेशन के या उसी इवेंट्स के ऊपर। जो द टेंडेंसी टू एक्सपोज योर सेल्फ टू इंफॉर्मेशन दैट री इन्फोर्स रादर देन कंट्राडिक्स यूर बिलीफ आर ओपिनियंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर उन्हीं चीज़ों को के ऊपर एक्सपोज होते हैं जो आपके बिलीफ या आपके मीन्स ओपिनियन के साथ कंट्राडिक्ट मुखालिफ नहीं है या आपकी जो मीन्स नेचर है उसके मुखालिफ नहीं है, उन्हीं चीज़ों के ऊपर आप एक्सपोज करते हैं अपने आप को। ये आप खुद करते हैं, मीन्स ये आपको पता नहीं होता लेकिन आपके अंदर, आपके सेंसेस के अंदर या आपके माइंड के अंदर ये प्रोसेस चल रहा होता है। सेकंड चीज़ है सिलेक्टिव अटेंशन, द टेंडेंसी वेन यू एक्सपोज योर सेल्फ टू इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज टू फोकस ऑन सर्टन क्यूज एंड इग्नोर अदर्स। मीन्स जो हमारी सिलेक्टिव अटेंशन भी है, हम अपने आप को उन्हीं उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करवाते हैं, उन्हीं आइडियाज के ऊपर जिनको मीन्स हम चाहते हैं कि इनके ऊपर हमारी हमारा तवज्जो जाए, वरना बाकी जो मीन्स आइडियाज हैं या इंफॉर्मेशन है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। मीन्स इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं कि क्लास क्लास के अंदर भी आप, फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग क्लास के अंदर मीन्स जस्ट अटेंशन नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर उनके काम की बात कर दे तो फिर वो झट से मीन्स उनकी अटेंशन उसकी तरफ जाती है।
सेकंड है सिलेक्टिव परसेप्शन. सिलेक्टिव परसेप्शन द टेंडेंसी टू सी हियर एंड बिलीव ओनली व्हाट यू वांट टू सी हियर एंड बिलीव. मीन्स सिलेक्टिव परसेप्शन में ये है कि आपका जो मीन्स आपकी टेंडेंसी उसी तरफ होती है, उन्हीं चीज़ों की तरफ जिनको आप देखना पसंद, सुनना या जिन पे एतबार करना पसंद करते हैं. उसके बाद है सिलेक्टिव रिटेंशन. द फोर्थ थिंग इज सिलेक्टिव रिटेंशन. सिलेक्टिव रिटेंशन ये है कि आप उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं, आपकी मेमोरी में वही चीज़ें जाती हैं. द टेंडेंसी टू रिमेंबर बेटर द थिंग्स दैट रीइंफोर्स योर बिलीफ रादर देन दोज दैट अपोज देम. मीन्स आप इन्हीं चीज़ों को याद करते हैं, आपकी मेमोरी में जाती हैं जो आपके मीन्स बिलीव्स के साथ, आपके ओपिनियन के साथ जिनका टकराव नहीं होता, मीन्स जिनका जो अपोज नहीं होती आपकी आपके बिलीव्स के अगेंस्ट. सेकंड चीज जो मीन्स परसेप्शन में होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन. इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है फिगर एंड सेकंड है ग्राउंड. फिगर द फोकल पॉइंट ऑफ योर अटेंशन. अगर आप अपनी आंखों का मिसाल मीन्स आप अपने जो विजुअल है मीन्स सेंस है विजनरी सेंस मीन्स आप जो देखते हैं, आप एक ही वक्त के अंदर आपकी आंखें किसी एक ही चीज के ऊपर फोकस की होती हैं. उसके बाद आता है मीन्स उससे फिर आपका फोकस हटता नहीं है. मीन्स अगर आप जो भी चीज देख रहे हैं या जिस चीज के बारे में भी समझ रहे हैं सोच रहे हैं तो वो एक ही चीज है जिसके ऊपर आपका फोकस होता है. आप अगर इधर उधर देखेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर लेक्चर चल रहा है तो इसी लेक्चर के दौरान आपका जो फोकस है लाजमी आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर होगा, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर होगा. अगर आप इधर उधर अटेंशन हटाएंगे या जो आप हियर कर रहे हैं मीन्स आपके कान के अंदर आप सुन रहे हैं वो भी आप बड़ी ही अटेंशन के साथ सुनेंगे. मीन्स ये फोकल पॉइंट है, ये आपकी अटेंशन की मीन्स फोकल पॉइंट है फिगर. उसके बाद आता है ग्राउंड, द बैकग्राउंड अगेंस्ट विच यूर फोकस्ड अटेंशन अकर्स. द बैकग्राउंड अगेंस्ट विच यूर फोकस फोकल पॉइंट फोकस्ड अटेंशन अकर्स मीन्स वो बैकग्राउंड जो फॉर एग्जाम्पल एक चीज के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं. मीन्स जिस तरह से मैंने आपको बताया जिस तरह आपका मोबाइल है, लेकिन इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है. इसके पीछे एक बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपके मीन्स वो जो फिगर है मीन्स आपकी अटेंशन आपके क्लास के ऊपर है, लेकिन इसका बैकग्राउंड पीछे ये है कि आपके लिए ये क्लास अटेंड करना बहुत ही लाजमी है. इसका बैकग्राउंड पीछे यही है, इसीलिए इसके ऊपर आप तवज्जो दे रहे हैं. सेकंड चीज जो इसके अंदर है वो है क्लोयर, द टेंडेंसी टू फिल इन मिसिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट एन अदरवाइज इनकम्प्लीट फिगर आर स्टेटमेंट. किताब के अंदर आप देखेंगे तो आपको कुछ तस्वीरें नजर आएंगी, तो वो तस्वीरें उनमें से दो जो तस्वीरें हैं, एक तो तस्वीर है फिगर 2.1, वो है ग्राउंड मींस जो यहाँ पे एक वेस और ट्विंस दी गई हैं तो उसके पीछे एक ग्राउंड बैकग्राउंड दिया गया है, तो उसको भी आप थोड़ा तस्वीर को देखिएगा बुक के अंदर. इसके अलावा एक क्लोयर का एक एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोयर इन ब्लॉब्स आर अ कैट मीन्स
जो क्लियर है वो ये है कि जो आपकी मींस अटेंशन है या जो आपकी जो परसेप्शन है उसके अंदर कभी कभी इंफॉर्मेशन मिस होती है. मींस यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है, मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता. वो तस्वीर ये है कि एक केट है, एक तस्वीर है जिसको मींस ब्लॉब्स में बनाया गया है, मींस इंक ब्लॉब्स बनाए गए हैं. वो इस तरह से लग रही है कि वो केट है, तो ये पता नहीं चलता कि वो केट है या वो ब्लॉब्स हैं इंक के, मींस इंक या वहाँ पे जिस तरह से आपने पेंटिंग्स देखी होगी तो बड़ी मुबहम सी चीज़ें होती. तो इसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं. द टेंडेंसी टू फिल इन मिसिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इन अदरवाइज इनकम्प्लीट फिगर आर स्टेटमेंट. तो उसको आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को, इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट भी करते हैं. प्रॉक्सिमिटी, द प्रिंसिपल दैट ऑब्जेक्ट्स फिजिकली क्लोज टू ईच अदर विल बी परसीव्ड एज अ यूनिट ऑफ आर अ ग्रुप. प्रॉक्सिमिटी यह है कि अगर चीज़ें एक दूसरे के करीब होंगी तो उनको मीन्स एज अ ग्रुप तसव्वुर किया जाएगा. आपकी परसेप्शन के अंदर अगर चीज़ें एक साथ हैं तो उनको एज अ ग्रुप तसव्वुर किया जाएगा. यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है, थ्री लाइन्स मीन्स तीन तीन लाइनों के तीन ग्रुप्स मीन्स ग्रुप दिए गए हैं. तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये तीन लाइनों के तीन मीन्स ग्रुप्स हैं या एक सिंगल ग्रुप है. नाइन लाइन्स का एक सिंगल ग्रुप है. उसके अलावा है सिमिलरिटी, द प्रिंसिपल दैट एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर बिकॉज दे शेयर एट्रीब्यूट्स सच एज साइज कलर आर शेप. सिमिलरिटी, बहुत सारी चीज़ों में सिमिलरिटी है. यहाँ पे एक पिक्चर है, उस पिक्चर के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स एंड सर्कल्स दिए गए हैं. अगर कोई रेक्टेंगल शेप के या स्क्वायर शेप की चीज़ें एक साथ आ जाएं, उनके अंदर सिमिलरिटी है, तो आप उनको एक ही ग्रुप के अंदर तसव्वुर करेंगे. अगर कोई चीज़ें सर्किल हैं तो सर्किल के अंदर उनका एक ग्रुप बना हुआ है, एक ही लाइन के अंदर है, तो आप उनको तसव्वुर करेंगे कि ये एक ग्रुप के अंदर है. तो ये सिमिलरिटी है, मींस बहुत सारी चीज़ों के अंदर सिमिलरिटी भी होती है. इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेटिव परसेप्शन, द परसेप्शन दैट इन्वॉल्व्स Involves a blend of internal states and external stimuli. अगर interpretation को आप समझें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हम उनको, उन चीज़ों को, जितनी मुश्किल चीज़ें होती हैं तो उनको हम समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे एक तस्वीर है बुक के अंदर, ये आप तस्वीरें जितनी भी दी गई हैं, फिगर्स जितनी भी दी, इनको ज़रा देखिएगा और अपने हिसाब से इनको पढ़िएगा भी. कि आपको अगर कोई फॉर एग्जांपल पिक्चर दी जाए या कोई आपको किसी आर्टिस्ट की बनाई हुई कोई पेंटिंग दी जाए तो आप उसको इंटरप्रेट, वो आपने देखी है बहुत सारी पेंटिंग्स इस तरह से होती हैं कि किसी लेमैन के लिए उसकी मीनिंग निकालना बहुत मुश्किल होता है, उसको इंटरप्रेट करना. अगर आप मीन्स आर्ट से वाकिफ हैं तो आप उन बहुत सारी चीज़ों को मीन्स इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये चीज़ है, ये इस तरह की चीज़ है. लेकिन अगर आपका इनसे कोई भी वास्ता नहीं, आर्ट से कोई वास्ता नहीं है, मीन्स फिर आपके लिए सब चीज़ें समझना
नामुमकिन है। मेरे ख्याल में अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं, क्योंकि आज का सेशन मुझे लग रहा है ये इतना हमारा अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, जो पार्टिसिपेंट्स हैं बार बार वो इन हो रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो एग्जाम्पल्स वगैरह तो आधे में रह जाते थे। अगर कोई आप सवाल करना चाहें तो हम उनको इन चीज़ों को दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर के अंदर वो चीज़ें इजीली आपको बताई जा सकती हैं। जी सर, सेलेक्टिव अटेंशन वापस बताएं। सेलेक्टिव अटेंशन, जी बिल्कुल आते हैं सेलेक्टिव अटेंशन की तरफ। जी सर, पहले तो इसकी सेलेक्टिव अटेंशन की जो डेफिनेशन है उसको आप जरा सुन लें। द टेंडेंसी व्हेन यू एक्सपोज योरसेल्फ टू इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज टू फोकस ऑन सर्टेन क्यूज एंड इग्नोर अदर्स। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, टेंडेंसी सिंधी में तो इसको कहते हैं लाड़ो, मींस आपकी जो इंक्लिनेशन होती है, टेंडेंसी व्हेन यू एक्सपोज योरसेल्फ इन इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज टू फोकस सर्टेन क्यूज एंड इग्नोर अदर्स, मींस बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है, आपके सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन आप जैसे एक्सपोज होते हैं उसी इंफॉर्मेशन की तरफ, मींस आपके सामने आती है वो इंफॉर्मेशन, तो आप क्या करते हैं उसमें से सर्टन चीजें लेते हैं, मींस थोड़ी सी चीजें लेते हैं, बाकी सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ये मींस सर्टन सेलेक्टिव अटेंशन है। फॉर एग्जांपल आप क्लास के अंदर हैं, ठीक है, लेक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन वो पूरे का पूरा आप एक्सपोज तो हैं उस लेक्चर के ऊपर, लेकिन वो पूरे का पूरा लेक्चर आपको याद नहीं होगा, मींस आपको याद नहीं होगा, उसकी सर्टेन पॉइंट्स हैं, सर्टेन क्यूज जिनकी तरफ आपकी अटेंशन जाएगी। कोई और सवाल? सर जी बाबा, सर आपने ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें पढ़ाई, क्लोजर और प्रॉक्सिमिटी, मुझे ये बताएं कि सर परसेप्शन में ये दोनों चीजें कैसे कनेक्ट करती हैं? क्लोजर एंड प्रॉक्सिमिटी, चलें दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अगर आप किताब की तरफ जाएं तो किताब में कहता है एन अदर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुला इज क्लोजर, द टेंडेंसी टू फिल इन मिसिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट एन अदरवाइज इनकम्प्लीट फिगर आर स्टेटमेंट। इफ समवन वर टू शो फिगर नंबर 2.2, ask you what you see, you might see it is picture of a cave, but as you can see the figure is incomplete. आपको इस बात को थोड़ा सा समझने में means थोड़ा सा मैं इस तरह से समझाता हूँ, बहुत सी means जो चीजें हैं, means हम complete information बहुत सारी चीजों की हमें हमारे पास नहीं होती, मीन्स हम जब हमारी जब नज़र किसी चीज़ के ऊपर जाती है, आपने कभी इलियन के बारे में सुना है? इलियन इलियन ये होता है कि आपकी आंखें किस तरह से देख रही होती हैं, आप किसी चीज से अगर दूर होते हैं, मीन्स एक माइल से आप किसी चीज को देखें सामने से वो नजर आ रही है, ठीक है, वो आपको किस तरह से नजर आएगी, फिर जब आप उसके करीब जाएंगे उसी चीज़ के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल कोई टावर है या कोई और चीज़ है, कोई बिल्डिंग है, तो वो किस तरह से आपको नजर आएगी? अब आप जब उसको देखेंगे दूर से, हो सकता है वो आपको इनकम्प्लीट नजर आए। यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है केट की, जिस तरह का मैंने आपको बताया, उस केट की तस्वीर इस तरह की है कि जैसे लग रहा है कि इंक किसी ने किसी पेपर के ऊपर फेंक दिया, लेकिन वो उसी तस्वीर से लग रहा है कि वो केट है। अब ये आपको कैसे पता चले कि ये केट है या इंक किसी ने बस पेपर के ऊपर फेंक दिया? तो ये एक क्लोयर है। क्लोयर मींस कि आप उसी इंफॉर्मेशन को फिर कंप्लीट करना चाहते हैं, मींस वो द टेंडेंसी टू फिल इन मिसिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट एन अदरवाइज इनकम्प्लीट फिगर, जो आपके माइंड में किसी भी, फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है, कोई आइडिया है, अगर
उसी की जो मीनिंग आपको कंप्लीट नहीं है आपके माइंड में. मैंने आपको पहले बताया था किसी लेक्चर के अंदर कि जो वर्ड्स हैं, जो सिंबल्स हैं, जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल वो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स की हमारे माइंड के अंदर एक मीनिंग बन जाती है. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ टेबल, तो टेबल की एक पिक्चर मेरे माइंड में है. मैं कहूँ चेयर, तो चेयर की एक पिक्चर मेरे माइंड में है. लेकिन अगर किस कोई भी पिक्चर या कोई भी कॉन्सेप्ट मेरे माइंड के अंदर इनकम्प्लीट है, तो मैं उसको इनकम्प्लीट करने की कोशिश करूंगा. ठीक है ना? कोई इसके इसी हवाले से कोई और? जी सर, पर अभी तक मुझे सही तरीके से समझ नहीं है. समझने की मीन्स सही तरीका यह है कि जब हमारी जो अटेंशन मीन्स आपकी हमारी जो परसेप्शन, जब हम चीजों को समझना चाह रहे थे, सेलेक्ट करना या ऑर्गेनाइज करना चाह रहे होते हैं, जब हम कोई किसी चीज के ऊपर एक्सपोज हुए, हमने अटेंशन दी, ठीक है, किसी स्टिमुलाय के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, किसी इवेंट के ऊपर, तो हमारी जो हमारे सेंसेस को लगा कि ये इनकम्प्लीट है, मींस इनकम्प्लीट, वो इस तरह से लग रहा है कि इनकम्प्लीट है, तो हम उसको किस तरह से मींस कम्प्लीट करेंगे, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्लोजर. मतलब वो चीज जो अभी तक हमें श्योर नहीं है. जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने आपको केट का एग्जांपल दिया कि केट, यहाँ पे एक तस्वीर है जिसके अंदर केट, केट केट की तस्वीर इस तरह से है कि जिस तरह से किसी ने इंक फेंक दिए पेपर के ऊपर. मैंने आपको पेंटिंग्स का हवाला दिया कि बहुत सारी पेंटिंग्स इस तरह से बनी होती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो बहुत ही ज्यादा उनके अंदर कोई रिच आइडियाज होते हैं पेंटिंग्स के अंदर, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपके लिए वो जिस तरह से मीन्स इंक है, अगर वो उसी पेंटिंग को कोई इंटरप्रेट करे आपके लिए, ठीक है, वो कोई इंटरप्रेट करे, तो फिर आपको पता चलता है नहीं, ये पेंटिंग इस चीज की है, इसकी इसकी मीनिंग यही है. जब आपको उसकी मीनिंग पता चलेगा. जी मतलब कुछ चीजें हमारी परसेप्शन में एक अलग इमेजिन बनाती हैं, लेकिन वो एक्चुअल में अलग होती हैं, इसी तरीके से. नहीं, थोड़ा सा आप इसको डिफरेंटली देख रही हैं. इसका मतलब ये है कि हमारी जो परसेप्शन है, फॉर एग्जांपल आपने जब सिलेक्ट किया किसी भी स्टिमुलाय को या किसी भी चीज को, अपनी परसेप्शन, आपकी परसेप्शन प्रोसेस के अंदर वो सिलेक्ट हुई, उस पर आपका एक्सपोजर हुआ, आपने उसको देखना शुरू किया, फिर उसके बाद उससे आपकी अटेंशन गई चंद क्यूज के ऊपर, लेकिन वो आपको लग रहा है कि वो इनकम्प्लीट है, तो एक और प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का शुरू हो जाएगा. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का आपके परसेप्शन के अंदर प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर अगर वो चीज इनकम्प्लीट है तो उसको अंदर ही अंदर से मीन्स वो आप कंप्लीट करने की कोशिश करेगी आपकी परसेप्शन. ये चीज है, बहुत सारी चीजें जिस तरह से हम लोग नहीं जानते, लेकिन अगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको कोई और बताए कि इसकी ये मीनिंग है, तो आपकी परसेप्शन में फिर वो चीज कंप्लीट हो जाती है. सर स्टूडेंट्स को ऐड कर दें सर. मेरे ख्याल में सर आई थिंक क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है, क्योंकि सर मिस आयशा की क्लास है. चलें आप इसको हम दोबारा से भी रिपीट करेंगे. जी सर. ठीक है, क्योंकि आज टाइम का थोड़ा मसला था, टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसी वजह